दोस्तों आजकल ना सोशल मीडिया पर दो व्यक्तियों के बीच कंपैरिजन के मीम काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो दोस्तों यहाँ पर एक मीम मैंने देखा फेसबुक पर जिसमें जेठालाल को मुकेश अंबानी से कंपेयर किया गया है, वो भी काफी ज्यादा रोमांचक तरीके से। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ वो मीम शेयर किया जाए और उसमें जो भी कहा गया है वो सब जानने के बाद, वो कंपैरिजन जेठालाल और मुकेश अंबानी के बीच कंपैरिजन करने के बाद आपसे जाना जाए कि दोस्तों कौन असली विनर है, जेठालाल या फिर मुकेश अंबानी। क्योंकि दोस्तों दोनों ही काफी बड़े व्यापारी हैं, समझदार व्यापारी हैं। जहां पर जेठालाल गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स चलाते हैं वहीं पर मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री चलाते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों मीम की तरफ और देखते हैं दोस्तों कौन जीतता है, जेठालाल या फिर मुकेश अंबानी। जेठालाल विश्व की सबसे बड़ी लीग GPL में स्वयं खेलते हैं, मुकेश भाई IPL में टीम है लेकिन खुद नहीं खेलते, लेजी एस एफ। जेठालाल अपना फायदा बाजू रखकर सबको भाव टू भाव सामान बेचते हैं, मुकेश भाई एक बार सस्ती सिम कार्ड देकर फिर रिचार्ज का भाव बढ़ा देते हैं। जेठालाल इतने अमीर होने के बावजूद छोटी सी सोसाइटी में रहते हैं, बोले तो डाउन टू अर्थ। मुकेश अंबानी बहुत बड़े घर में रहते हैं। जेठालाल अमीर होने के बावजूद रिक्शा से आना जाना करते हैं, बिल्कुल पर्यावरण प्रेमी। मुकेश भाई बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, प्रदूषण बढ़ाते हैं। जेठालाल बबीता जी जैसी सुंदर लड़कियां भाव देती हैं, हैंडसम एज एफ। मुकेश भाई ज्यादातर लड़कियां भाव ही नहीं देती। तो गाइज ये किसी ने कंपैरिजन मीम बनाया हुआ है, मेरा खुद का मीम नहीं है ये, मैंने नहीं बनाया, ये किसी ने FB पर शेयर किया हुआ है। हालांकि इस मीम पर कोई वाटरमार्क नहीं है जिससे हमें पता चल सके किस महानुभाव ने ये कंपैरिजन किया है, लेकिन दोस्तों आप बताओ यार नीचे कमेंट सेक्शन में कि जेठालाल या फिर मुकेश भाई दोनों में से आप किसको सपोर्ट करते हो, किसको बढ़िया बिजनेसमैन मानते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।